हाय एवरीवन, तो यार आने वाले टाइम में आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। फिर आप चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, या फिर आप कॉलेज पास आउट हो। अभी अब मेरे केस में मुझे अमेजोन एंड गूगल से सामने से इनवाइट आया था ऑल ऑफ अ सडन। मतलब मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी इस चीज़ की, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ है। मेरा एक दोस्त है जिसके पास ऊबर एंड अमेजोन से इन्वाइट आया हुआ था, और बहुत सारे इनबॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए हैं जहाँ पर लोगों ने सेम चीज़ शेयर की है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंटरव्यू कॉल्स आने वाले हैं। सो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी डेफिनेटली 100% जॉब लगेगी ही लगेगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर फॉर इट। अब आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन 30 डेज में, कमिंग 30 डेज में, आप लोग खुद को कैसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के साथ यही इशू होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी यही इशू था कि हम लोग प्लान करते रहते हैं चीज़ें कि देखो यार इतना प्लान हम लोग पहले कंक्रीट बना लें, उसके बाद में जाके हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब यार प्लान करना अच्छी बात है, लेकिन हमें सारा का सारा टाइम प्लान में ही वेस्ट नहीं कर देना है, हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब कई लोग इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत ही मुश्किल टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग में उठा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा रिसोर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर उनको सही तरीके से चीज़ें डिलीवर नहीं की जाएंगी, और वो स्टक हो जाते हैं। फिर उन्हें डिमोटिवेशन हो जाता है, उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कोडिंग यार, इससे ज़्यादा मुश्किल तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, इट इज़ मच ईजियर देन द JEE एग्जाम जो कि आपने ऑलरेडी दे दिया। उसका सिलेबस तो बहुत फास्ट था, यहाँ पर आपका सिलेबस भी स्पेसिफिक है और आपको चीज़ें रटनी नहीं है यहाँ पर, सबसे बढ़िया चीज़। अब हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, किन टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको एक इनिशियल स्टार्ट देने वाला हूँ जो आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे और मुझे उसकी फीडबैक्स देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जब भी मैं किसी को गाइड करता था या मेंटर करता था, चाहे वो अजय हो या फिर मेरी खुद की सिस्टर हो, मैं बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करता था कि जो वो लोग कर पाए। एक बार उन्होंने वो टॉपिक कर लिया आराम से, तो उसके बाद फ्लो बन जाता है। उसके बाद मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, एक तो उन्हें मोटिवेशन हो जाती है कि हाँ भाई इतने टॉपिक्स हमने करके रख लिए हैं, और दूसरी चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको आगे कुछ गाइड करना। सो वी विल बी फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। तो यार आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और कुछ एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में आते हैं इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, और एक स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा होप्स के साथ ये मैसेजेस लिखता है, और मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ पाता, मुझे काफ़ी ख़राब लगता है इस चीज़ का। तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन ढूंढा है, देखते हैं वो कितना इंप्लीमेंट हो पाता है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके साथ वन ऑन वन मीटअप्स कर लिया करूँगा मेरी वीकेंड्स पे टाइम निकाल के। तो यार वीकेंड्स पे मेरा ऑफ रहता है ऑफिस का, सो वी कैन मीट ऑन वीकेंड्स। और उसकी सारी डिटेल्स, मतलब हम लोग संडेज को, नेक्स्ट संडे को मिलने वाले हैं और कमिंग संडेज में भी मिलने वाले हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे, दोनों पे मिल जाएगी। तो जिसको भी मुझसे मीटअप करना हो, फिजिकली मिलना हो, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के फॉलो कर लेना, वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं दे दूँगा। अभी संडे आने वाला है बहुत जल्दी, तो मैंने एक मीटअप प्लान किया हुआ है, तो वहाँ पर मिलते हैं हम लोग। फिजिकली मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आने वाले दिनों में आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, या तो कहीं आप अप्लाई करेंगे, या फिर रेफरल लेंगे, या फिर आपको सामने से अप्रोच होगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेजोन के लिए। सो गीक्स फॉर गीक्स इज ऑर्गेनाइजिंग अ जॉबैथॉन एक्सक्लूसिव इन पार्टनरशिप विद अमेजोन। तो यहाँ पर अमेजोन के लिए हायरिंग हो रही है, एंड दिस इज फ्री, कंप्लीटली फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू रजिस्टर फॉर अ स्पेसिफिक रोल। तो तीन रोल है यहाँ पर, SDE 1 जिसमें आपको 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, SDE 2 जहाँ पर आपको 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, और SDE 2 जहाँ पर आपको 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी आप लोग चेक करके अकॉर्डिंगली रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड रजिस्टर। तो यहाँ पर आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जहाँ पर आप लोगों के कोडिंग क्वेश्चंस होंगे प्लस MCQs होंगे, एंड दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ। कमिंग 3 months के लिए ये टेस्ट कंडक्ट होगा, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिर इंटरव्यूज होंगे। टेस्ट की जो टाइमिंग रहने वाली है, दैट इज फ्रॉम 8 to 10:30 PM। बाकी आप लोगों को टाइमिंग्स के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पोर्टल पे जाके मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना एंड रजिस्टर कर लेना। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जाकर के ज़रूर इसको रजिस्टर कर देना, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, जस्ट इन केस मान लो हमारा 30 डेज कोई कंपनी आ जाती है जिसमें हमें अपीयर होना है। सो हाउ टू बी प्रिपेयर। सबसे पहली चीज़, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, कहीं भी आप लोग रिज्यूमे सबमिट करेंगे, रेफरेंस लेंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग देन एंड देयर इटसेल्फ। ये वेट नहीं करना है कि यार पहले इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, पहले मेरे पास कंफर्मेशन की कॉल आ जाए। मैंने वेट किया था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा था कि यार आएगा नहीं आएगा, मैंने वेट किया था, लेकिन रिग्रेट रहता है फिर, बहुत गंदा रिग्रेट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू वेट। एंड अगर आपके पास एक प्लान खुद का है, अगर आप वो इजिली फॉलो कर पा रहे हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करते रहो। किसी के भी बोलने पे या फिर कहीं से भी आपको कुछ नया पता चलता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना वहाँ से। अगर आपका
स्मूथ तरीके से प्रोसेस चलता जा रहा है, आप लोग एक एक करके टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, कहीं पर स्टक नहीं हो रहे हैं, इट इज़ गुड एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। ठीक है, अब यार जो लोग प्लान नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो लोग स्टार्ट करके स्टक हो जा रहे हैं किसी डिफिकल्ट टॉपिक पे, सबसे पहली चीज़ आप लोग एरेज कर लो, एरेज को समझ लो कि एरेज क्या होते हैं, उनके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लो। अब मेरी एक DSA शीट है जो कि मैंने लास्ट ईयर रिलीज़ करी थी, काफ़ी फेमस शीट है वो, उसमें अराउंड 250 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला टॉपिक उसमें एरेज ही है और उसमें सबसे ईजी वाले क्वेश्चन जो हैं आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ एरे पढ़ लिया, बेसिक ऑफ एरे पढ़ने के बाद कि व्हाट आर एरेज, व्हाट आर फॉर लूप्स, व्हाई लूप्स, पढ़ने के बाद यू कैन स्टार्ट विद दोज इजी क्वेश्चंस। अब यार एक बार जब आप लोग ये इजी क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो आप लोग एरेज में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। नाउ यू हैव टू गो टू रिकर्जन। रिकर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बैकबोन कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का। व्हाई? बिकॉज इससे काफी सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ के साथ काफी सारे एल्गोरिदम। तो अगर आप लोग रिकर्जन कर लेते हैं, आपको इन सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैंने रिकर्जन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई रिकर्जन की, तो दूसरे वाले चैनल पे है वो, और दूसरे वाले चैनल पे बहुत कुछ आने भी वाला है, तो आप लोग जाकर के जरूर डेफिनेटली रिकर्जन वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो और कहीं पर आप स्टक नहीं होने वाले हैं उसमें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट में इस चीज़ की श्योरिटी रखी है कि आप लोग कहीं भी स्टक ना हों, आप लोग ये पूरी प्लेलिस्ट स्मूथली कर पाएं। तो यस, यू विल बी एबल टू कंप्लीट रिकर्जन फ्रॉम देयर 100%। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, बिल्कुल एडवांस प्रो लेवल तक बैक ट्रैकिंग क्वेश्चंस करवाए हैं। तो जाकर के आप लोग चेकआउट करो और उसको करना स्टार्ट करो। पहले एरेज नहीं आया तो एरेज करो, एरेज करने के बाद रिकर्जन स्टार्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिंक लिस्ट पूरा पढ़ाया हुआ है, वो हिंदी में कवर करवाया है मैंने, तो काफी पहले बनाया था इसके, हिंदी में कवर करवाया हुआ है, वो भी आपका कंप्लीट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर वॉट इज लिंक लिस्ट, कहाँ यूज होता है लिंक लिस्ट, एरेज ओवर लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं टिल वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो चीज भी आप लोग चेकआउट कर लेना। तो एरेज, देन आपका रिकर्जन, देन आपका लिंक लिस्ट, तीन टॉपिक तो यही खत्म हो गए आपके। बाकी के टॉपिक्स में आपको अपने आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैं 30 days की ही बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा पूरा रोडमैप यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि उसके बाद क्या करो, बिकॉज 30 days में आप लोग इतना ही कर पाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यस, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, you will be good enough to start practicing questions from my DSA sheet. मेरे DSA sheet से आप लोग questions करना start कर देंगे several topics के। DP आप start कर सकते हैं, tree आप लोग start कर सकते हैं। तो यार without wasting any time, एक भी दिन आपको अब खराब नहीं करना है, जो बताया है उसको implement करना start कर दो। आप लोग इस चीज़ में कहीं stuck नहीं होने वाले हैं, because मैंने जो भी पढ़ाया है इस चीज़ की guarantee ली है कि आप लोग stuck नहीं होंगे बीच में, बहुत ही detail में पढ़ाया है। ठीक है, जाकर के आप लोग देखेंगे तो आपको एक एक करके चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो इतना पोर्शन कर लो पहले, बात की चीज़ हम लोग फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद जब आप लोगों का इतना हो जाएगा। एंड डू लेट मी नो जो भी आपकी प्रोग्रेस है, मेरे को ज़रूर बताते रहना, कहीं पर भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है आप लोगों की। ठीक है, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय।